हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका फ्यूचर हेल्पर और आप देख रहे हैं द एग्ज़ाम हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना है कि जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम था जो कि आपका काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, जो कि होना था आपका जुलाई के महीने में, यानी कि इसी महीने में होना था, अब वो जाके होना है आपका अक्टूबर के महीने में, उसे शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, अक्टूबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इसके लिए फुल स्ट्रेटजी टू क्रैक एमटीएस, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से मात्र 2 महीने के अंदर ही एमटीएस को क्रैक कर सकते हैं। और बिल्कुल ये स्ट्रेटजी बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है। और अगर सफल होना है आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगी, तो ये तो करना है, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि फेक है। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। चलिए, तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एसएससी की साइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोटिस करके लिखा हुआ है, देखिए, द कमीशन हैज शेड्यूल्ड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशंस स्किल टेस्ट द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर 2021। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि जो आपका सीजीएल का जो स्किल टेस्ट होने वाला था वो देखिए ये 15 सितंबर से 16 सितंबर को होने वाला है। इसके बाद ये जूनियर इंजीनियर का है, ठीक है, इसके बाद आपका जो मेन है वो है ये, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा मल्टी टास्किंग, आपको दिख रहा होगा साफ साफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, जो कि आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। देखिए यहाँ लिखा है 5 अक्टूबर से आपके स्टार्ट होंगे, जो कि 20 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, लगभग 15 दिन तक आपका एग्ज़ाम जो है ये चलने वाला है। और अगर आप अभी से देखें तो आप आज हो रही है 6 अगस्त, तो लगभग लगभग आप 2 महीने मान के चल सकते हैं, और किसी का अगर लेट पड़ता है तो 2-4 दिन, तो अब एक मोटा मोटा 2 मंथ मान लेते हैं कि आपके पास लगभग लगभग 2 मंथ हैं, और ये काफ़ी अच्छा समय है, आप इसको एग्ज़ाम को चाहे जैसे भी सो के लेट के पढ़ के उठ के बैठ के क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं फुल स्टडी आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में बने रहिए। रहने वाला है वो देखिए, मैथ्स आपके आने वाले हैं 25 मार्क्स आएंगे, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, ठीक है, और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क के, और जीके जीएस भी 25 प्रश्न 25 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको पूरा टाइम मिलने वाला है वो 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट मिलेंगे, और जो इसमें नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो आपकी जो होती है वो होती है 0.25 यानी कि 1/4, यानी कि एक अगर 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है काटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 1/1 बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं 4 सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स यार मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो इसको आपको क्या करना है, डेली के आपको 2 घंटे इसको देना ही पड़ेगा, और ये कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा 2 घंटे, ठीक है ना। और मैं ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने पढ़ रखा है या उनको मतलब बहुत कुछ आता है, ये उनके लिए है मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं क्लियर करना ही है मुझे इस बार, मुझे अपने मतलब कुछ करना है घर वालों के लिए, तो मतलब बिल्कुल सटीक स्ट्रेटजी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स को आपको करना है 2 घंटे देना है, जिसमें आप क्या करेंगे, 1 घंटे आपका अर्थमेटिक रखने वाले हैं और 1 घंटे जो है आपका एडवांस रखने वाले हैं। हालांकि एडवांस जो इसमें कम पूछा जाता है, फिर भी आपको 1 घंटे मिनिमम जो एडवांस लेवल है उसको देते हुए चलना है, ठीक है। तो 2 घंटे हो गए जिसमें कि आप 1 घंटे अर्थमेटिक लेंगे, ठीक है, और 1 घंटे क्या लेंगे, एडवांस अपना लेने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे रीजनिंग पे, तो रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटे जो है देना है, 1 घंटे सफिशियंट होता है रीजनिंग के लिए, और सिंपल ही आती है रीजनिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 घंटे, तो आधे घंटे में आपको क्या करना है, आपने कोई मान लीजिए एक चैप्टर उठाया तो आधे घंटे में उसका पूरा रिवीजन करना है चैप्टर का, और आधे घंटे उससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, क्विज लगाने हैं, ठीक है। ये डे बाई डे वन आपको करना है, मतलब 2 महीने मान के चलिए 15 से 20 चैप्टर होते हैं, तो आपने मतलब 15 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद फिर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और 2 महीने तक आपका 3 बार रिवीजन हो चुका होगा, ठीक है। तो 1 घंटे आप रीजनिंग को दे सकते हैं। इसके बाद आती है सबसे खतरनाक चीज़, तो सबको ही मालूम है, इंग्लिश, ठीक है। तो इसको आपको देना पड़ेंगे 2 घंटे, ठीक है ना। कैसे 2 घंटे देना पड़ेंगे, तो 30 मिनट तो आपको देना पड़ेगा वोकैब का, क्योंकि आपको मालूम है 7 से 8 नंबर की वोकैब आना ही आना है, ठीक है। तो ये कंपलसरी लिख लेना आप 30 मिनट वोकैब। इसके बाद जो आपका 1 घंटा है, ठीक है, 1 आवर जो है 1 आवर आपको देना है किसको, ग्रामर को देना है, ठीक है, जिसमें कि आपके रूल्स वगैरह जितने भी चैप्टर्स हैं, है ना, वो जो वर्ब वगैरह है, नाउन वगैरह है, प्रोनाउन, ये सारे आपको कंप्लीट करना है। और बचा जो आधा घंटा, उसमें आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्विज लगाना है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर क्विज भी लगा सकते हैं, उसी चैप्टर से रिलेटेड लगाना पड़े, ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे आपके हो गए टोटल, अब कितने हुए, 5 घंटे, अभी आपका जीके जीएस रह गया है,
ठीक है। तो हम आते हैं जी के जी एस पे, तो इसको भी आपको 2 घंटे देना है। किस तरीके से देना है आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 30-30 मिनट के 2 सेशन लगाना है आपको, ठीक है। 30+30 मिनट, इसमें आप देखिए आपको मालूम होगा कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, ठीक है, इकोनॉमी है, ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो स्टैटिक जीके होती है, ठीक है, वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है 4-5 जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो होते हैं। तो आप इसमें देखिए 30 मिनट हिस्ट्री कर लीजिए और फिर 30 मिनट पॉलिटी कर लीजिए, और ये दोनों आपके लगभग लगभग 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे अगर 30-30 मिनट आप रेगुलर डे पर इनको करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो 30 डेज में मतलब क्या मान लीजिए 15 दिन में आपके जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे ये दोनों टॉपिक, ठीक है, मान लीजिए ये हो गए। इसके बाद फिर 15 दिन में आप साइंस और इकोनॉमिक्स उठा सकते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचे हुआ 1 महीना भी आपके पास फिर भी बचा है, तो उसमें आप स्ट्रैटेजी जीके लगा सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे तो ये हो गया आपका, ठीक है। 1 घंटे आपको क्या कर, वो आधे घंटे क्या करना है, आधे घंटा आपको क्या करना है जो है आपको करंट अफेयर लगाना है। क्या लगाना है, करंट अफेयर, ये कंपलसरी है, ठीक है। आधे घंटे आप अभी से देंगे तो 2 महीने में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी आप मार्केट से अच्छी बुक परचेस कर लीजिएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बचे आधा मिनट, तो आधा मिनट में आपको प्रीवियस ईयर के जो जीके हैं वो लगाना है, या फिर जो आपके पास कोई भी सेट हो, कोई भी बुक लेके आए हो, तो उसके जो जीके और जीएस के क्वेश्चन है वो आपको लगाना है आधे घंटे, ठीक है। और अगर आपको जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं कल से एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें टॉप 25 प्रश्न हमारे रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल में एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और आगे जो एसएससी सीजीएल है उसके लेवल के भी हम इसमें उठा के रखेंगे जो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं रखेंगे सीजीएल के, यानी कि जो मतलब बिल्कुल पूछे जा सकते हैं एमटीएस में भी वही उठा के हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कल से टॉप 25 लगने वाली है, जिसमें आपके लगभग लगभग 1200+ क्वेश्चन हो जाएंगे। कब तक, जबकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आप हमारे जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए अभी से, अगर आप सबसे सफल होना चाहते हैं तो, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी जीके जीएस के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं कि, और इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है ये आपको बिल्कुल 100% मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना तो आपका मतलब काम ही चलने वाला, ठीक है। तो आपको कहना एक सेट, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट परचेस कर रखे हैं तो आपको एक सेट देना है, वो भी 2 दिन में। कब तक, 30 दिनों के लिए आपको देना है, सिर्फ 2 दिन, यानी कि इस महीने आपको देना है 2 दिन में एक सेट। आप ऑफलाइन बुक से दे सकते हैं या ऑनलाइन है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, आप उससे बहुत ही, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास जो 30 डेज बचेंगे ना, उसमें आपको पर डे का एक या फिर आप 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो मान के चलिए मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें टोटल अपना मिलाएंगे तो लगभग आपके पास 10 घंटे का जो है शेड्यूल टाइम बनता है पर डे का, 10 घंटे से कम ही हो रहा है वैसे, 10 घंटे का पूरा शेड्यूल टाइम बनता है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन पे हम आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा लगभग लगभग 10 घंटे की पर आवर पर दिन की जो स्टडी हो रही है, लगभग लगभग 8.5-9 घंटे में, पर आप 10 घंटे मान लीजिए। तो अगर आप सुबह 6 बजे उठे, मान के चलिए सुबह 6 बजे उठे और रात को 6 बजे तक, अगर आपने रात को 6 बजे तक 8 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ सकते हैं बिल्कुल, 4 घंटे का गैप लेके 12 घंटे में, ठीक है। इसके बाद बस आपको क्या 2 घंटे पढ़ना है रात को 6 से 12 में, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल आराम से लेट के उठ के बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिन में 10 घंटे देना पड़ेंगे, लगभग 2 महीने तक आपको देना पड़ेंगे, ठीक है, 2 महीने तक देना पड़ेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और अगर आपको यार यही हमारा जो था वो वीडियो था, और अगर आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कल से मैं आपको जो जीके का सीरीज़ है वो चालू करने वाला हूँ, तो उसके लिए यार बिल्कुल चालू करके रखिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक अभी से सबको लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।